कॅन्ट इंग्रजी शाळेच्या परिसरातील दारुड्यांचा उच्छाद थांबवावा अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या संदर्भात छावणी परिषदेला आणि पोलीस ठाण्याला निवेदनही देण्यात आले आहे. कॅन्ट इंग्रजी शाळेच्या बाजूला छावणीतील गुरुवारचा बाजार भरतो. दर गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात इथं लोक येत असतात. बाजाराच्या तसंच इतर दिवशी मोठ्या प्रमाणात इथं दारू विक्री होत असते. दारुडे दारू पिऊन रिकाम्या बाटल्या इंग्रजी शाळेच्या आवारात फेकून देतात, त्यामुळे मुलांवर परिणाम होत आहे अशी तक्रार पालकांनी छावणी परिषद तसंच छावणी पोलीस ठाण्यातही दिली आहे. स्कूल के सामने जो है ये बियर का बॉटल है, ये अच्छी बात नहीं है और ये बच्चों को दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शराब किसके लिए भी अच्छी नहीं है. जो बच्चे यहाँ से जो पढ़ रहे उनको ये शिक्षा अच्छी नहीं है. सो मेरे ख्याल से ये सब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और ये ऐसा दारू ये पीने वाले इनको बंदोबस्त करना चाहिए, इनके तरफ देखना चाहिए. ये हमारा ये हम ये बच्चों के माँ बाप की ये इच्छा है. स्कूल का परिसर क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा है. बच्चे जब आते हैं यहाँ पे गिर जाते हैं, कांच में घुसते, बहुत सारे कांच रहते हैं. कभी कभी बच्चों को लाने ले जाने में लेट हो जाता है, गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं, उस टाइम पे कांच घुस जाता है. कभी भी देखो तो यहाँ शराब की बॉटलें पड़ी रहती है बच्चों पे, इस पर गैर इसका अलग एकदम इसका मतलब वो गैर वो दिखता है. मतलब या संदर्भात अनेक तक्रारी देऊनही दखल घेतली जात नसल्यानं पालक संतप्त झाले असून आज त्यांनी MCN कडे आपली कैफियत मांडली. शाळेचा परिसर दरोड्यांपासून मुक्त करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अभी आपने देखा कि यहाँ पर सभी गेट के पास ये प्राइमरी स्कूल है और सारा बॉटले वॉटले फोड़ के डाली हुई है, जबकि हमने ये कंप्लेन पुलिस स्टेशन में और कंटोनमेंट को दे चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. तो आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और हमारे लिए और इन बच्चों के लिए कुछ कीजिएगा. रात में बैठकर दारू भी पीते हैं और सभी बॉटल्स वगैरह यहीं फेंकते हैं और इससे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है. इंग्लिश स्कूल जो चालू करे, जब से यहाँ पे पीना खाना जो हमेशा चालू रहता है और रात के 8 बजे से रक्षा भूमि का बोर्ड है सामने, रक्षा भूमि के बोर्ड नहीं देखते हुए भी लोग यहाँ के बस्ती के लोग यहाँ पे दारू पीने 8 बजे से बैठते हैं और ज़्यादा दारू पीने की वजह से वो स्कूल में बाटलियाँ फेंके. इससे पहले भी 2-3 बार स्कूल में तोड़फोड़ करे, बोर्डा जलाए बच्चों के, फिर भी हमने CO साहब से कंप्लेंट करे थे, पुलिस स्टेशन में निवेदन दिए थे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं. अभी पिछले महीने में और यहाँ पे तोड़फोड़ हुई, दारू के बाटलियाँ फेंक दिए थे गेट के अंदर आके यहाँ पे, और इस वजह से भी हमने एक और डबल लेखिक में और कंप्लेंट दिए, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ.